हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सॉल्व कर रहे थे क्लास टेंथ का 2018 का जो पेपर है बोर्ड का, उसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुँच गए हैं। देखिए आज इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो जैसे ये सॉलिड सिलेंडर हमारे पास, तो इसमें से दो हेमिस्फेयर जो खुरुच के निकाल दिए हैं इसमें से। अब यहाँ पे चीज़ ये बोलता है, अगर हाइट जो है सिलेंडर की, ये पूरी सिलेंडर की हाइट थी 10 सेंटीमीटर और इसका बेस का जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यहाँ पे चीज़ क्या है, ये आपको समझना होगा। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें प्लस कर देंगे इनका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि देखिए खुरेज के निकाल दिया है तो यहाँ कोई सरफेस एरिया नहीं बचा, ये अंदर की तरफ हो गया है। तो अंदर की तरफ तो इसका सरफेस एरिया हुआ ना, वो तो जो एरिया हुआ वो इस हेमिस्फेयर के लिए क्या है, कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस में दोनों हेमिस्फेयर जो हैं इनका कर्व सरफेस एरिया। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि भी यहाँ पे टोटल, अच्छा बोल ही रखा है टोटल, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे सरफेस एरिया भी बोलता है निकालने के लिए, तब भी इसका मतलब होता है टोटल नहीं निकालना है, क्योंकि टोटल को दो तरीके से बोलेगा, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक सरफेस एरिया। तो हम देखेंगे गिवन हमें क्या क्या दिखे। तो गिवन में आ जाएगा रेडियस दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है वो भी 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया है 2πRh, जो कि कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, और एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πR², उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दो से, क्योंकि दोनों का चाहिए इसमें। तो 2 और π हो जाएगा 22/7, r हमें दे रखा है 3.5 × h प्लस 2 × 2πR². अब 7 × 5 = 35, यहाँ पे भी 7 × 5 = 35, तो 0.5 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा 44 × 0.5 × 10 प्लस 2 × 2 = 4, और 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 88 × 0.5 × 3.5। तो 44 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 410 आ गया। और देखिए 440 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 5 × 0 = 0, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 + 22, तो आएगा 220 प्लस, वैसे यहाँ पे भी 88 को मल्टीप्लाई करा 0.5 से तो 44 आता है। मैं करके दिखा देता हूँ, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 × 8 = 40 प्लस 44, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, तो 44 बन गया। और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3.5 से, तो 20 + 22 = 4, 3 = 12, 12 + 7 = 13, तो 0451, तो पॉइंट ये हो गया, तो आ गया 154। अब 220 में प्लस कर दिया 154, तो आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो इस तरह से आ गया पूरा। तो बस सिंपल था क्वेश्चन। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो एक आधी दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद ही कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये व्हाट्सएप का लिंक आपको दे ही रखा है, वहाँ से भी जाके आप पूछ सकते हो। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे ये वीडियो तो मिलेंगी, साथ में एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे।
तो वो आपको नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास ऑफ अचीवर्स का, तो जहाँ आपके मन हो वहाँ आप एनरोल हो सकते हो। प्लेलिस्ट देखनी तो वो देख लेना, कोर्स में जाना हो तो वो वहाँ पे चले जाना। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।